हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल। देखिए, ये एक नया कोर्स है। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी। मोस्टली यही होता है, जितने भी जो भी गवर्नमेंट जॉब के आप एस्पिरेंट्स हैं, जिस भी तरह की गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस मस्ट होते हैं, वो आते ही आते हैं। तो इसमें मैंने 50 उन क्वेश्चंस को कवर किया है जिनकी प्रोबेबिलिटी रहती है। ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें हम 50 महत्वपूर्ण जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो है उसे डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स के साथ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है। नमक के घोल में जो आवेशित कण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सकारात्मक जो पॉजिटिव होते हैं, तो इन्हें कहा जाता है धनायन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम कैटायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाती है। इस घटना ए पर इस ये जो परिघटना होती है ना, इसमें क्या होता है कि बादल से, हमारे आसमान से एक गहरा कीप जो होता है, कीप की तरह का, ये ज़मीन पर पहुंच जाती है, इसे हम कहते हैं बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होता है, तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, अब थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि पारा का उपयोग होता है, पारा का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि ये ऊष्मा का सूचालक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन इसका उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है, किस चीज़ का, तो ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है। अग्नाशय रस का, रस क्या काम करती है, अग्नाशय के में जो रस है ना हमारे शरीर में, ये क्या काम करती है, ये हमारे शरीर की जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है हमारा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया। बिजली का जो बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया, ये किया थॉमस अल्वा एडिशन ने। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल और उत्कल दर्पण जो होते हैं ना, इन दोनों को गोलीय दर्पण हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से हो क्या जाता है, ठीक है, देखिए जब भी हमारे, आप देखोगे कि जब भी चींटी यहाँ काट लेती है ना, तो आप अगर वहाँ बेकिंग सोडा का यूज़ कर लोगे तो उस वो चली जाती है, मतलब उसका कुछ असर नहीं रह जाता है। तो चींटी काटने से ऐसा क्या होता है कि बेकिंग सोडा आप यूज़ कर लोगे ना तो उसका प्रभाव बेअसर हो जाता है, तो ये होता है फॉर्मिक एसिड जो है वो त्वचा में पहुँच जाता है, फिर आप बेकिंग सोडा जब यूज़ कर लेते हो तो ये बेअसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसका उदाहरण है, ये सहजीवी संबंध, ये मैंने आपको बता चुका है। देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। अब ये कौन सा दर्पण है जिसमें ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखिए, एक तो ये होता है कि जो प्रतिबिंब जो होती है ना वो दर्पण के पीछे बनती है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार की होती है, और ये प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये कौन सी दर्पण है, ये है समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं, जिससे हम वायु की वेग को माप लें, ये कहलाते हैं एनीमोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, वृद्धिकर हार्मोन्स इससे उत्पादित होते हैं, किससे, वृद्धिकर जो हार्मोन्स होते हैं ये किससे उत्पादित होते हैं, ये होते हैं पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट पे चलते हैं, सीएनजी गैस का जो मुख्य संगठक है वो क्या है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मिथेन, जो सीएनजी में जुड़े हुए हैं सारे घटक, उसमें सबसे जो मुख्य संगठक है ये मिथेन है, मिथेन गैस। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो देखिए एक जो विद्युत सेल होता है ना उसमें दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई का सबसे कारगर तरीका क्या है, तो आप ड्रिप सिंचाई कर लीजिए, ये सबसे कारगर होता है सिंचाई की विधि को पूरा करने के लिए। मेघ गर्जन का क्या कारण है, मेघ गर्जन जो है ये क्यों होता है, तो देखिए विपरीत आवेश के बादल के मिलने के कारण वातावरण में आघात तरंगे बनती है, जिसके कारण मेघ गर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पहला उपकरण कौन सा है, जितने भी तरल दबाव होते हैं ना उसे मापा जाता है मैनोमीटर से, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डेंगू वायरस का वाहक है, तो डेंगू वायरस किससे फैलता है, ये एडीज मच्छर से, मादा एडीज मच्छर से फैलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए, मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता किसने लगाया कि मानव जो हम मनुष्यों की जो पेट है ना, उसकी पूरा उसका ये समझ लीजिए सिस्टम वो कैसे चलता है, ये किसके द्वारा पता किया गया? तो इनका नाम है विलियम ब्यूमोंट। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है? क्या है? ये है पृथ्वी का असमान ताप। मतलब पृथ्वी का जो ताप है कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इस कारण पवन चलती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य कारण है। जैसा कि मैंने बताया, देखिए हम जनरल साइंस डिस्कस कर रहे हैं, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि जनरल साइंस होता क्या है, तो देखिए इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब के क्वेश्चंस मिले होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस होता है? जो मैग्नीफाई ग्लास कहते हैं आजकल, ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश वर्ड हो गया आवर्धक लेंस, इसे ही कहा जाता है, ये होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? मतलब वो कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो ये केचुआ है, केचुआ हमेशा अपनी त्वचा से ही सांस लेता है। नेक्स्ट है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ऑप्शन है, सॉरी, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? आप मान लीजिए जमीन पे एक बॉल है, उसे हम फेंक देते हैं, तो वो जो गेंद अब चलने लगती है, तो ये बेलन घर्षण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को देख सकता नहीं, देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इस तरह का व्यक्ति किससे किससे पीड़ित है? देखिए, जिस व्यक्ति को नेत्र दोष है तो वो क्या है, आसपास की चीजें नहीं देख पा रहा है, बट दूर की जो वस्तुएं हैं ना वो उन्हें दिखाई दे रही हैं, तो इस ये जो व्यक्ति है ना, ये दृष्टि दोष से पीड़ित होता है। और वही मान लीजिए कि सामने जब दिखाई देता है तो वो होता है लघु दृष्टि दोष से। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया जो होती है, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसमें जो नेत्र दोषी होता है ना, उसे दूर की चीजें दिखाई देती है पर सामने की चीजें नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारा, बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? आप हमेशा देखे होंगे जो तार जो वायर यूज़ होती है उसमें हमेशा प्लास्टिक होते हैं ऊपर में, क्योंकि प्लास्टिक बिजली का कुचालक है। मतलब प्लास्टिक जो होता है ना, उसमें जो करंट होता है वो पास नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें करंट बिल्कुल भी पास वो होने ही नहीं देगा, इसीलिए हमेशा प्लास्टिक से कवर किया जाता है। वो प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है, क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा ना कि उनका कोई रंग नहीं होता और उसमें भोजन को रखा जाता है, ताकि जो भोजन होते हैं, खाना होते हैं, वो थोड़ा सेफ रहे, वो कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट है हमारा, वृद्धिकर हार्मोन्स किससे उत्पादित होते हैं? ये होते हैं पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट है हमारा, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए, आंवला में हमेशा एस्कार्बिक एसिड पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है? तो ये शनि ग्रह है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, किस में? कहाँ जो है, जो लोहे में जो जंग लगती है ना, तो किस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा होती है? ये तटीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है? तो देखिए, आपने हमेशा देखा होगा क्लोरीन मिला होता है ना पानी में, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो संक्रमित नहीं होती, मतलब उसमें कीटाणु नहीं होता। अगर क्लोरीन मिला दीजिए तो पानी थोड़ी स्वच्छ हो जाती है, तो ये क्लोरीन मिला रहता है, हमेशा पानी में क्लोरीन मिला रहता है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्री हवा किसका परिणाम है? मतलब समुद्री हवाएं जो बहती हैं वो किस कारण से होती है? तो ये संवहन का होता है, संवहन कारण से होती है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, मानसून पवन तब चलती है जब, मानसून पवन कब चलती है? जब गर्मी में जो पवन है वो महासागर से भूमि की ओर चलती है। ठीक है, हमेशा गर्मी में जब महासागर से भूमि की ओर पवनें आती हैं तब मानसून पवन चलती है। छाया बनने का क्या कारण है? प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में जब यात्रा करती है तब आपके पर छाई बन जाती है, छाया बन जाती है। ठीक है, देखिए, धूम कोहरा कृष्णा किसका मिश्रित रूप है? धूम कोहरा जो है ये धुआं और कोहरे का मिश्रित रूप धूम कोहरा कहलाता है। नेक्स्ट है, खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज और दालों का सामान्य सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं निर्जलीकरण। मतलब उसमें से जल की मात्रा को आप पूरी तरह से अवशोषित करवा देते हो, तो ये निर्जलीकरण कहलाती है। द्रव द्वारा लगाया गया दबाव क्या में क्या होता है? गहराई के साथ बढ़ जाती है।
जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इनके होने का क्या कारण है? क्योंकि इसमें ये वायरस के कारण ये हो जाती है ना, ठीक है। अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो ये प्रभाजी आसवन के द्वारा परिष्कृत किया जाता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। क्या है जो जितने भी विद्युत उपकरण है ना क्षतिग्रस्त, मतलब उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, तो वो रक्षा यंत्र क्या होता है? ये हमेशा फ्यूज होता है, ठीक है। फ्यूज इन सब से इनकी रक्षा करता है। पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, वो क्या है? तो ये है राइजोबियम के द्वारा ये सारी क्रिया संपन्न होती है। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर्षण बल जो है ना, वो द्रव्यमान के बढ़ने से घर्षण बल जो है वो भी बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में आपकी सर्कुलेशन सिस्टम नहीं होती है। धूम कोहरा किसका मिश्रित है? ये धुआं और कोहरे का मिश्रण है। इसमें एक दो दो तीन क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। एंड एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसमें और क्वेश्चंस लाऊंगी। और अगर इसमें कुछ भी अपडेशन चाहिए, कुछ और रिक्वायरमेंट, या मैं आप चाहते हो कि मैं इसे और डिटेल में जाऊं, क्योंकि देखिए मोस्टली ना एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं ना, आपको आंसर पिक आउट करने, इसलिए मैंने ज़्यादा मैं डिटेल में गई ही नहीं हूँ। जस्ट आप एक क्वेश्चन को ओवरलुक करते रहिए, आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो है आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा अगर इसमें आप डिटेल चाहते हो, तो मैं इसमें डिटेल में वीडियोस लाऊंगी। अगर इससे रिलेटेड आप और वीडियोस चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।